अज जो शामी सानू पता लगे है कि राम सिंह राणा जी का जिहड़ा कुरुक्षेत्र ढाबा है इहदे मोहरे सड़क पट के पत्थर ला के गवर्नमेंट ने बैरीकेडिंग करती है क्योंकि राम सिंह राणा जी एक सोनीपत इन्होंने ढाबा साडे उत्थे अंदोलन दे कोल इन्होंने बंद करके किसान अंदोलन समर्पित किया हुआ है उत्थे आटे दीयां चक्कियां लाईयां होईयां ने पानी दीयां गड्डियां पानी सप्लाई कर रही ने पानी की सेवा फ्री आटे की सेवा फ्री और दुध की सेवा फ्री कर रहे ने सो वो सरकार जिहड़े जिहड़े अंदोलन दे विच साडी मदद करदे ने जिवें कि पहला भी जिहड़े लंगर वाले बाबे सन उन्होंने एनआईए दे नोटिस भेजे गए जिहड़े साडे पत्रकार वीर सन उन्होंने एनआईए दे नोटिस भेजे गए कलाकार वीर साडे जिहड़े सिंगर वीर उन्होंने एनआईए दे नोटिस भेजे गए वो इसे हरकत के तौर पर अज इन्हों भी दबाव च लिया चाहते हैं अज तक उन्होंने जिहड़ी कोई गल सी असी सरकार की उन्होंने हावी नहीं होन दिता तो ना इन्हों दे होन देवांगे जिहड़े राम सिंह राणा जी है जे वह अंदोलन के नाल खड़े ने डट के तकड़े होके इन्नी वह निष्काम सेवा कर रहे हैं तो फिर अज संयुक्त किसान मोर्चा नाल खड़ा अज असी मीटिंग करके अपने बत्ती आगुआ की पंजाब वाले की उतों दिल्ली सिंघू मोर्चे तो इतने वाल आए हैं सरदार प्रेम सिंह पंगू जी आए ने साडे नाल रविंदर जी ने करतार सिंह मेहरो साहब ने साडे गुरवीर भाई ने गन्ना सभा समिति तो साढ़े पंजाब है उन्होंने साढ़े साथी आए हैं पन्नू साहब पिछले आ रहे हैं हरिंदर सिंह कांडा जी आ रहे हैं सारे आगू इतने थोड़ी देर पहुंच जाएंगे काफ़ी सारे आगू और यह हम रणनीति अभी तय कर रहे हैं तैयार कर रहे हैं कि आप जो सरकार आखीए कि इन्हों हटा लो नहीं तो फिर असं प्रोटेस्ट करा वा प्रोटेस्ट करा सो वो प्लैनिंग जी हजे अगली जी रूपरेखा तैयार करने वास्ते इकत्र हुए हैं पंजू साहब पिछले आ रहे हैं वो भी आ जाएंगे राम सिंह राणा जी भी बुला लेंगे और विकास शीशर जी ने हरियाणा तो ये भी आए हुए हैं इन्होंने साथी भी सारे आए हुए हैं जोड़े माइए टोल से आए हुए हैं और ये सारे साथी इतने पहला तो साढ़े तो ये रात ही इन्होंने जो पता लगा साथियों को यह रात ही इतने आ गया सन सो इस करके असी सारे प्लैन करके अपना मीटिंग करके आए हैं क्योंकि एक गल होनी चाहिए सारे साथियों की सो इस मुताबिक हूँ असं तो राणा जी ने डिस्कस करके इतने को जल्द तो जल्द फैसला लवेंगे कि सरकार को अल्टीमेटम देना है की करना है वो अगली रणनीति तय करनी है वो असं तय करके भी दस देवे सो अगली गल जी है रविंदर जी एक गल पक्की है कि पंजाब दीयां बत्ती जथेबंदियां अपने शरीर नाल खड़ियां हरियाणे दीयां सारियां समुचा संयुक्त किसान मोर्चा अपने शरीर नाल खड़िया असीं इहदा मसला हल करावांगे जो खट्टर सरकार सोचदी है कि इस तरह के दबाव पा के कोई जिहड़े समर्थन चाहे हुए लोग ने उन्हां नूं कोई इह तोड़ देगी ये सब तो वड्डी बेवकूफी आ उहदी सगो इह चीज़ तां साडे च गुस्सा भर रही है समुचा किसान अंदोलन राणा जी की पिछते बत्ती जथेबंदियां जो मीटिंग हुई है मीटिंग से मुद्दा बड़ा सीरीयसली विचारिया गया उहदे विचों इह आगुआं दी कमेटी बना के तुरंत स्थिति का मौके का जायजा लैण लई इत्थे भेजिया गया असी इत्थे पहुंचे आके देखिया कि एडमिनिस्ट्रेशन ने एन एच आई ए बिहार के उपर इसका कारोबार बंद कर ली इस नुकसान पहुँचाने लिए ता कि मोर्चे में सहयोग की सहायता दिता से ये इतने पत्थर ला के इस इसलिए असं पुरजोर शब्द की निखेधी करते हैं कंडम करते हैं खट्टर सरकार है हरियाणा की बीजेपी सरकार है जो केंद्र के इशारे के उपर चल रही है वो इतने किसानों के उपर सैकड़े केस दर्ज किए हैं हर भी नवी वधीकिया नवे केस दर्ज हो रहे हैं इस तो पहला भी सिंघू बार्डर के थोड़ा पता है कि अंदोलन कमजोर करने लिए देश को बदनाम करने लिए मुकदमे भी बनाए इंटरनेट सेवा बंद की लंगर वाले के उपर नोटिस जारी किए ये तरह तरह के हथकंडे बड़े लंबे टाइम तो केंद्र सरकार खास करके हरियाणा सरकार जी बीजेपी केंद्र की कठपुतली कर रही है सो असी यह कहना आए हैं संयुक्त मोर्चे वालों अच्छ कि इन हरकतों को बाज आ गए खट्टर सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन को फौरी हुक्म करे कि जो सेवादार ने मोर्चा दी कर रहे उन्होंने सामने कोई ऐसा रोका ऐसा रुकावट खड़िया ना करे इन्होंने जी हालात है वह प्रमोक होंगे है असं प्रमोक होने नहीं देना असं बिल्कुल शांति ढंग कहना है जे वह नहीं हटाते तो संयुक्त मोर्चा अगली कार्रवाई वह प्रोटेस्ट की भी हो सकती है एजुटेशन की भी हो सकती है धरना भी हो सकता रोड जाम भी हो सकता है वह असं करा पर यह चेतावनी है अल्टीमेटम है आने वाले दो चार दिन के हो सके अच्छे डेपूटेशन है एडमिनिस्ट्रेशन डिप्टी कमिश्नर भी असं मिला यह कह के रिक्वेस्ट भी करा जे फिर भी उन्हें करे तो अंदोलन तो सिवाए एजुटेशन तो सिवाए साढ़े को हथियार नहीं पीसफुल होएगा एजुटेशन के बलबोते ही
मोदी सरकार को झुकावे कट्टर उसका कुछ भी नहीं है, यह पहले ही चुकया हुआ है। इसलिए यह किस्म बंदिशां यह हटा दे और हालात को प्रवोक ना करे। मैं एक गल कहनी है, ਬਾਪੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਮੌਕਾ ਦੇਖਿਆ, ਰਾਣਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬਲਬਲੇ ਕੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਰਾਏ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੱਕਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਵਿਕਾਸ, पहली बात तो ये है साथियों कि पूरे का पूरा संयुक्त किसान मोर्चा भाई राम सिंह राणा के साथ में है, और भाई राम सिंह राणा हर एक किसान को ये पता है, सरकार को भी ये पता है कि पहले दिन से किसान आंदोलन का मजबूती के साथ दे रहा है, के साथ साथ दे रहा है, और ये जो सरकार ने जो ये कार्रवाई की है एक दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई है, एक द्वेषपूर्ण कार्रवाई है, और ये हम बहुत दूर से चल के आए हैं, दिल्ली से यहाँ पहुंचे हैं, किसी होटल के सामने इस प्रकार की कोई दीवार हमने नहीं देखी है। ये राम सिंह राणा के होटल को इसलिए बंद किया गया है कि वो जो है किसान आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हम भाई को विश्वास दिलाना चाहते हैं, हर एक किसान जो है पूरा संयुक्त किसान मोर्चा जो है भाई राम सिंह राणा के साथ में है। यहाँ रात के 1:30 बजे हमारे साथी जो है माइयर टोल से आकर बैठ गए थे, और अभी यहाँ जो संयुक्त किसान मोर्चा के जो पंजाब के भी नेता पहुंच चुके हैं, हरियाणा के भी आने वाले हैं, और जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होता हम भाई राम सिंह राणा के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे, और जो भी जिस भी तहत ये कार्रवाई की गई है, ये हाईवे अथॉरिटी ने की है या जो डिस्ट्रिक्ट के किसी प्रशासन के साथी ने की है, उसका हम पता लगा रहे हैं, और भाई राम सिंह राणा के आदेश के अनुसार भी हमने चलना है, क्योंकि कारोबार इनका है। जो भी आदेश भाई राम सिंह राणा देंगे, जिस भी प्रकार का देंगे, चाहे आंदोलन का देंगे या कोई डॉक्यूमेंट्स कोई वेरिफिकेशन करवानी है कोई सरकार से, तमाम तरह का साथ हम देंगे, क्योंकि हम हर उस साथी के साथ में खड़े हैं जो किसान आंदोलन के साथ में खड़ा है, और कोई चिंता का कोई विषय नहीं है, बिल्कुल हम इस समस्या का समाधान करवाने वाले हैं। मेरे सर, हाँ जी, असी सरकार को दसना चाहते हैं भी आज जो राणा नाल धक्का हो रहा है, ये पंजाब की लोक सेवा, साढ़े गुरुआं दी परंपरा, लोगों की सेवा करना हरेक आदमी का फर्ज बनता, ये साढ़े संयुक्त मोर्चे की पानी की सेवा, आटे की सेवा, दुध की सेवा निष्काम कर रहे हैं, असी इन्होंने धनवादी भी हाँ, इन्होंने विश्वास भी पाने भी असी तुहाडे नाल दुख सुख पूरे खड़े हाँ, और सरकार चेतावनी देनी चाहते हैं, सरकार इन्होंने गलों तो आवाज आ जाए, नहीं तो सानू कुछ सख्त कदम चुकने मजबूर न करे। अज साड़ी इतने पहले 32 जथेबंदियों की मौत मीटिंग हुई है, अज हम जो इतने कमेटी बनी आ रही है, ये देख के राणा जी ने करके वह फिर जो फैसला ही लिया होगा उन्होंने फिर सिरे चाढ़ा, और दोबारा फिर सरकार सेंटर सरकार और खट्टर सरकार चेतावनी देनी चाहते हैं कि जोड़ा रास्ता बंद किया इन्होंने हाथों ही खोलना पेगा, यह सारी जथेबंदियों का बैठे राणा जी फैसला करके अगला प्रोग्राम देव। मैं ये बेनती करनी चाहवागा कि जो साडे साथियों ने दसिया कि 32 मैंबर की हम मीटिंग करके इतने कमेटी बन के आई है, सरकार को बिल्कुल इस गल च वार्निंग दिने कि जल्दी तो जल्दी ये बैरीकेड हटा लिया जा, नहीं तो जिस तरह ਭੰਗੂ ਸਾਹਿਬ ने कहा कि अगला फैसला कोई बड़ा प्रोटेस्ट का हो सकता है, उस सड़क भी रोकी जा सकती है, सो इस करके असी बिल्कुल शांतिपूर्वक करना चाहते हैं, शांति का माहौल बनाना चाहते हैं, जेडिया कुछ हरकत खट्टर सरकार कर रही है उन्होंने हरकतों तो बाज आ जाए, नहीं तो फिर बड़े बड़े अगे असी जे कह दौ कि बैरीकेड तोड़े सानू पत्थर हटाने कोई दूर की गल नहीं, इस करके केवल तो केवल असी शांति बनाई रखना चाहते हैं। हुण ये बाकी गल असी राणा जी दसणगे क्योंकि असी इन्हां दी मदद वेस आए हैं, क्योंकि ये अंदोलन की सपोर्ट करते हैं पहले दिन तो निष्काम सेवा करते हैं, जिन्हें आखणगे इन्हां दा असी कहांगे इन्हां दी हर गल इन्हां दी राय दे नाल बिल्कुल संयुक्त मोर्चा खड़ा होएगा, सो ये राणा जी दसणगे। सभी भाइयों को राम राम, सत श्री अकाल। भाई जी, राणा जी इतना बड़ा नहीं है, राणा जी तो एक आंदोलन का बहुत छोटा सा गिनती का भी पार्ट नहीं है, जो से किसान मोर्चे का आदेश होगा राणा जी को सिर मत्थे होगा,
कि पत्थर तो बहुत छोटी चीज है, अगर होटल भी गिरता है तो उसके लिए भी पहले संयुक्त मोर्चा जो आदेश करेगा हम उसके हिसाब से चलेंगे। हमने जोश में आके कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना जिससे हमारा आंदोलन जो 7 महीने से पूरे शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है वो खराब हो। तो हम नहीं चाहते, गवर्नमेंट जो चाहती है गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन हम उस चीज़ को एक ही बात कर रहे हैं, छोटी निची हरकतों से बात आ जाए, इन हरकतों से कुछ बेनिफिट होने वाला नहीं है। वो चाहते हैं, वो सोचते हैं कि भैया राणा जी पीछे हट देंगे या आंदोलन में सपोर्ट करना बंद कर देंगे, वो उनके दिमाग की जो गलत फहमी है उसको दूर करें। राणा जी जैसे पहले दिन थे ऐसे आखिरी दिन आंदोलन के एक हफ्ता बाद तक भी ऐसे ही रहेंगे। सेवाएं राणा जी ने बढ़ाई है, घटाई नहीं है और आगे भी यही रहेगी। चाहे वो सेवा किसी भी चीज की जो जिम्मेवारी लेंगे तन मन धन से उसको निभाएंगे और आखिरी सांस तक निभाएंगे। अगर राणा जी का गवर्नमेंट चाहती है भी राणा जी पीछे हटे तो एक ही रास्ता है मेरा, या तो गाड़ी को आगे पीछे लगा के कहीं ना कहीं उसमें एक्सीडेंट करके मरवाए या फांसी तोड़े। वैसे राणा जी जब तक सांस है तब तक राणा जी पीछे नहीं हटेंगे। बाकी गवर्नमेंट ने जितना जोर लगाना वो लगा ले, खुली चेतावनी। हम आपके साथ हैं, इस तरह की बात मत सोचे आप। नहीं नहीं, जैसे ही हमें छोटा वो आमी सार के मायर टोल के रमायण टोल के और सतरोल खाद चौंतरा प्याऊ माजरा नारनोद हल्के के सारे किसान साथी 20-25 की तादाद में रात के 2 बजे से यहाँ बैठे हैं। हमें 4 बजे वीडियोस के माध्यम से पता चलिया राम सिंह राणा जी के संस्थान के ऊपर होटल के ऊपर सरकार ने बैरिकेड लगा दिए हैं। हम इकट्ठे हुए और रात को 10 बजे सारे साथी 2 बजे रात से पहुंच गए थे और तब से हमने ना नींद ली है ना और एक ही मन में आवाज है। मलिक युवा किसान नेता हम सारे और सैकड़ों की तादाद में हमारे साथी आने लग रहे हैं। हमने एक ही बात का प्रण लिया, जब तक ये बैरिकेड नहीं हटेंगे हम राम सिंह राणा के जो संस्थान पे बैरिकेड सरकार ने लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं। और ये बैरिकेड हटवा करके ही हिसार माइगर टोल की टीम आई हुई है तभी यहाँ से जाएंगे। चाहे संयुक्त किसान मोर्चा फैसला किसी भी प्रकार के लिए 6 महीने भी रहेंगे तो हम यहीं बैठे रहेंगे जब तक ये नहीं हटेंगे। बाकी संयुक्त किसान मोर्चा ने सोचना है कि अगर राम सिंह राणा का आज गला घोटने का काम किया है तो कल मेरा होगा, परसों इनका होगा। सारे भारत के किसानों को चुन चुन कर ये सरकार मारेगी। हम आज ही उसका मड़िया मेट करना चाहते हैं। हम जब तक नहीं जाएंगे जब तक इसका पूरा फैसला नहीं हो जाएगा।